आज रोज गुजरात कॉम्पोटेक रेजिमेंट एनसीसी वडोदरा द्वारा शहरना फतेहगंज स्थित एनसीसी कैम्पनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। वडोदरा शहरना फतेहगंज स्थित एनसीसी हेडक्वार्टर्स खाते एनसीसीना केडेट्स माटे सी सर्टिफिकेटनी परीक्षा माटे गर्ल्स अने बॉयजना एनसीसी केडेट्सनी प्रेक्टिकल तेमज थिओरेटिकल ट्रेनिंग चाली रही छे, जेमां प्रेक्टिकल ट्रेनिंगमां वेपन्स ट्रेनिंग, ड्रील ट्रेनिंग, मेप रीडिंग वगैरे अंगे ट्रेनिंग चाली रही छे, जयारे थिओरेटिकल ट्रेनिंगमां फायर ट्रेनिंग, हथियारो तथा अन्य लश्करी तालीम आपवामां आवी रही छे। अंदाजे 100 જેટલા બોયઝ અને ગર્લ્સ કેડેટ્સોએ આ ટ્રેનિંગમાં ભાગ લીધો હતો। આજે આ સમગ્ર ટ્રેનિંગ વિશે એક ગુજરાત કોમ્પોટેક રેજિમેન્ટ એનસીસીના સેના મેડાલિસ્ટ કર્નલ પંકજ કુટનેત દ્વારા વિગતવાર માહિતી આપવામાં આવી હતી। તેમણે જણાવ્યું હતું કે એનસીસીએ દેશની સેના માટે કેડેટ્સમાં દેશભક્તિ જગાડે છે, સાથે જ એક શિસ્ત, અનુશાસન તથા સેલ્ફ ડિફેન્સની તાલીમ થકી કેડેટ્સ દેશદાજીની ભાવનાઓને સમજે છે। વન ગુજરાત કોમ્પોઝિટ ટેકનિકલ રેજિમેન્ટ કા ATC एनुअल ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। ये कैंप हम बड़ौदा में कर रहे हैं और ये 8 दिन का कैंप है, जिसमें 100 बच्चे सी सर्टिफिकेट के यानी कि थर्ड ईयर के और 200 बच्चे बी सर्टिफिकेट यानी सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। इस साल कोविड महामारी के कारण हमारा ट्रेनिंग मोस्टली ऑनलाइन किया गया है। ये कैंप नॉर्मली 10 दिन का होता था, पर इस बार समय को देखते हुए हमने इसको एक शॉर्ट ड्यूरेशन कैंप में रखा है। हाउएवर हमारी ये कोशिश है कि जो हम उनको पूरे साल में ट्रेनिंग देते हैं उसको हम एक समराइज करके बच्चों को एक अच्छी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्योंकि ज़्यादातर थ्योरेटिकल ट्रेनिंग हुई है, इस बार हम उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे, जिसमें हम उनको वेपन ट्रेनिंग यानी कि जो हथियार है उससे उनकी वाकफियत कराएंगे, उनको फायरिंग का तरीका सिखाया जाएगा, उनका ड्रिल, उनका मिलिट्री सब्जेक्ट्स जिसमें हम फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट बच्चों को सिखाते हैं वो, उसके अलावा हम और भी बहुत सारी ट्रेनिंग जिसमें हम फायर सेफ्टी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल स्टडीज़, हेल्थ एंड हाइजीन, इन सब के अलग अलग एक्सपर्ट्स बुलाकर उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि बच्चों का एग्ज़ाम से पहले हम उनको भरपूर तरीके से तैयार कर सकें। एनसीसी का जो मेजर महत्व वो है कि हम एक कैडेट को एक अच्छा सिटीज़न बनाएं, और हम यही कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं ताकि उनकी हम ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकें। क्या नाम है सर? मैं कर्नल पंकज, मैं कमांडिंग ऑफिसर वन गुजरात कंपोजिट टेक्निकल रेजिमेंट बड़ौदा।